हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। सो आज मैं बताने वाला हूँ आपको रॉयल एनफील्ड थंडर 500 cc, जो परचेज किया था 2018 में। मार्केट प्राइस थी इसकी 1,87,000, हालांकि लोन में लिए थे तो ये प्राइस मिला था 2,30,000 में। बाइक के स्पेसिफिकेशंस आपको बता दें, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट है, अगर बैटरी डाउन हुआ, सेल्फ स्टार्ट नहीं चल रहा है तो उस टाइम पर आप किक स्टार्ट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ज़रा सा मैं अपने दोस्त को बोलूँगा नज़दीक आ जाए। जब मैंने चाबी से ऑन कर दिया तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूट्रल, बैटरी रेड मतलब बैटरी ठीक है गाड़ी का, और हेडलाइट ऑन है। ये गाड़ी है बेसिकली BS4 इंजन का। BS4 इंजन की गाड़ी जो होती है, आप जैसे ऑन करते हो हेडलाइट आप ऑफ नहीं कर सकते, हेडलाइट विद बाइक ऑन हो जाता है। बाइक का सेल्फ देख के ऑन करके बताओ एक चीज, आप अगर मैं इस तरीके से ऑन करूँ, ठीक है, अब ये तो ऑन है, ये ऑन, बट चांसेस ऐसे भी रहते हैं अगर आपने साइड स्टैंड गाड़ी का नहीं निकाला तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बैटरी डाउन नहीं है, आपको बस साइड स्टैंड ऊपर कर लेना है और चालू कर देना है। अगर मैं आपको इस टाइम पे एग्जॉस्ट का साउंड सुनाओ फिर से चालू कर, एग्जॉस्ट हम लोग ने एक्सटर्नली फिट करा के लिया, ये एग्जॉस्ट कंपनी फिटेड नहीं है। टैंक की बात करूँ तो 20 लीटर फ्यूल कैपेसिटी वाली टैंक है इसकी। ये सीट हम लोग ने एक्सटर्नली बिठाया था क्योंकि बिल्ली ने पंजे मार लिए तो ये सीट फट चुका था, तो ये सीट हम लोग ने एक्सटर्नली बिठाया। यहाँ पे पिलियन का भी ध्यान दिया जाता है। ये जो सीट रेस्ट है ना, जब आप बैठते हो, अभी मान लो मैं यहाँ पे बैठता हूँ इस तरीके से, तो ये मुझे यहाँ पे कवर देता है जिससे मेरा बैक पेन भी नहीं देता है। और क्रूजर बाइक सेगमेंट में भी इसे काउंट कर सकते हैं लॉन्ग राइड्स के लिए, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग राइड्स लेके जा चुके हैं। मैं आपको टायर की बात करूँ तो ये ट्यूब वाला टायर है, ट्यूबलेस टायर नहीं है इसमें, ट्यूब टायर है। इसके अलावा डबल डिस्क का ब्रेक दिया गया है इस गाड़ी में। अब इस गाड़ी में आप अगर देखोगे लेग गार्ड भी दिया गया, ये भी बहुत हद तक के हेल्प होता है अगर मान लीजिए एक्सीडेंट होता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा गाड़ी को ही बचा लेता है डैमेज होने से। और ये टायर भी आप देखोगे, ये टायर भी ट्यूब वाला टायर है, ट्यूबलेस टायर नहीं है। राइड करने में जहाँ पर ये अपना ही मज़ा देता है भाई, इस गाड़ी को देखने में भी उतना ही सा लगता है गाड़ी ऑन था। पीछे का टायर का साइज़ है 457.2 mm है, का टायर का साइज़ है 482.6 mm का, आगे का टायर का साइज़ है। स्पोक व्हील है यहाँ पे, आपको टायर में आप देखोगे तो नज़र आएगा। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो EFI 500 आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, रॉयल एनफील्ड का लोगो नज़र आएगा, इसी के साथ थंडरबर्ड 500 ये भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। एवरेज की बात करूँ तो 30 km/L अप्रॉक्सीमेटली उसके आसपास आपको एवरेज मिल जाए। चाबी लेके भाई ओपन कर लेते हैं इसको। ये देखो ये ओपन कर लिए तो यहाँ पे नज़र आ रहा है बैटरी, और ये देखो यहाँ पे इसके अंदर टूल बॉक्स है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे नट है, ये नट से आपको ओपन करना होगा अगर आपको ये टूल बॉक्स बाहर निकालना है। तो गद्दी ओपन करना है तो ये वाला जो है इसको आप खींचने से, बैक वाला जो येल्लो वाला तार आपको नज़र आ रहा है इसको खींचेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और ब्लैक वाला अगर करेंगे तो आगे का सीट ओपन हो जाएगा, इनके हिसाब कर आपको सीट चेंज करना हो तो। मिरर अरेंजमेंट अगर देखें तो इसमें मिरर अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, जो आपको बैक साइड का व्यू क्लियर दिखाई देता है आप जब गाड़ी चलाते तो। अब और किलोमीटर की मैं बात करूँ, अगर मैं गाड़ी यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ तो अब तक गाड़ी चल चुकी है 1,72,113 miles, और आगे से आपको गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। BS4 इंजन है तो गाड़ी यहाँ पे आपको इंजन की लाइट ऑन होते हुए नज़र आएगी जैसे ही गाड़ी ऑन कर लेते हैं। गाड़ी की गियर 5 है, एक नीचे बाकी ऊपर, नॉर्मल बाइक्स की तरह ही इसका भी गियर अरेंजमेंट है। तो भाई ये था वीडियो और ये एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, पर्सनल एक्सपीरियंस है आफ्टर यूजिंग विथ माई फ्रेंड ये बाइक 3 साल के लिए। होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। कोई और बाइक का आप रिव्यू देखना चाहते हो
तो मेंशन कर दो, कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू गाइस।